और वो जो है साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं जो एक फ़िशिंग विलेज है मतलब वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है फिशिंग है दे वर गुड फ्रेंड्स एंड लिव नेक्स्ट डोर टू ईच अदर वो दोनों ही मीन्स मीना एंड अजय दे आर गुड फ्रेंड्स एंड दे लिव नेक्स टू ईच अदर मीन्स वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं एक दूसरे के घर के बगल में रहते हैं देर वर बोथ फिशरमैन हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो जो विलेज है वो एक स्मॉल फिशिंग विलेज है तो जो दोनों ही बच्चों के फादर हैं मीना के भी और अजय के भी वो दोनों का काम क्या है दे बोथ आर फिशरमैन वो जो है मछुआरे हैं देयर वॉज नो स्कूल इन दिलेज उस गाँव में कोई स्कूल नहीं है सो द चिल्ड्रेन बिल्ड सैन कैसे चीज क्रैप स्वैम इन दी एंड क्लाइम कोकोनट पार्मे लग चूंकि स्कूल नहीं है तो बच्चे सारा दिन क्या करते हैं वो फ्री रहते हैं तो वो समंदर के किनारे जाके बालू में कैसल पैलेस घर बनाते रहते हैं चेस्ड क्रैप्स जो सी क्रिएचर्स हैं सी एनिमल्स हैं केकड़े हैं और जो अदर एनिमल्स हैं वो उनको उनके पीछे भागते रहते हैं स्वयं इन द सी समंदर में तैरते रहते हैं और कोकोनट और पाम ट्रीज पे वो सारा दिन चढ़ते रहते हैं फन करते रहते हैं ओके दे हैड अ वंडरफुल लाइफ विदाउट एनी वरीज पढ़ना उनको है नहीं और उनके लाइफ में चूंकि वो बच्चे हैं तो किसी तरह का न, टेंशन नहीं है तो वो एक वंडरफुल लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं वन डे दे वर प्लेइंग ऑन द बीच एक दिन की बात है कि वो समंदर के किनारे बीच पे खेल रहे थे दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल और तभी उनको क्या मिला एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का बॉटल मिला विद ग्रेट डिफिकल्टी द चिल्ड्रेन टुक द कैप ऑफ द बॉटल बहुत मेहनत करने के बाद दोनों बच्चे यानी कि मीना और अजय उस बॉटल के कैप को जो है क्या कर पाए खोल पाए ओके इनसाइड इट दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर और उस बॉटल के अंदर उनको एक पेपर का टुकड़ा मिला पीस ऑफ पेपर मिला एक पेज मिला वज इट से क्राइड मीना एक्साइटेडली और मीना जो है बहुत एक्साइटेड होके उत्सुक होके उत्तेजित होके वो पूछती है अजय से कि वट डो इट से कि इसमें क्या लिखा है ये पेपर क्या कह रहा है मीन्स वॉट मैसेज इज देअर ऑन दिस पेपर आई डोंट नो रिप्लाइड अजय चूंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते नहीं थे इसलिए उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था और अजय ना पढ़ पाने के कारण कहता है कि मुझे नहीं पता है दट वॉट इज रिटन ऑन द पेपर देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कान्ट रीड और बच्चे एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली समथिंग इज रिटन ओवर देयर कि हाँ इस पर कुछ लिखा है बट जो है हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं ओके okay? डू अब बच्चे जो है बहुत सोच में पड़ गए आश्चर्य में पड़ गए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए ओल्ड मानू द शॉपकीपर इन द विलेज कुड रीड और तभी बच्चों को क्या याद आता है कि गांव में एक दुकानदार है जिसका नाम है मानू तो वो बच्चे कहते हैं कि मानू जो है वो इस पेपर को पढ़ सकता है ही वुड बी एबल टू टेल देम वट इज़ सेड और वही जो है ऐसा आदमी है जो उन इन बच्चों को ये बता सकता है कि पेपर पे क्या लिखा है ये पन्ना क्या कह रहा है दे डिसाइडेड टू गो टू हिम और दोनों ही बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो भाग किस के किसके पास जाएंगे मानू के पास जाएंगे They scampered along to the shop with the bottle and the paper. और दोनों ही बच्चे क्या करते हैं अजय और मीन, मीना दोनों ही ran quickly, scampered means तेजी से भागते हुए वो दोनों ही तेजी से भागते हुए जो है, वो मानू के पास जाते हैं क्या अपने साथ लेके बॉटल और पेपर को लेके Look, मानू cried the children excitedly. और जैसे ही वो मानू को देखते हैं अजय और मीना वो बहुत जोर से जो है उत्सुक होके बोलते हैं कि देखो मानू दिखाई दे रहा है मीन्सिटिंग ओवर डैर लुक वॉट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच और वो मानू से कहते हैं कि देखिए हमें बीच पे क्या मिला है हम लोगों ने क्या ढूंढ निकाला है ओल्ड मानू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रेन जो बूढ़ा है या मानू जो है वो एक ओल्ड एज के आदमी आप ये देख सकते हैं <clears throat> तो मानू क्या करते हैं उन बच्चों से उस पीस ऑफ पेपर को लेते हैं हिपुट ऑन हिज ग्लासेज वो अपने चश्मे को लगाते हैं एंड स्टार्टेड टू रीड और पढ़ना शुरू करते हैं इफ़ यू गेट दिस सेड ओल्ड मानू रीडिंग फ्राम द पेपर प्लीज राइट टू मी और उस पन्ने को पढ़ते हुए मानो कहते हैं उस पन्ने पे ये लिखा होता है और उसको वो पढ़ते हैं कि इफ़ यू गेट दिस अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिलती है तो मुझे ज़रूर लिख के बताना आई एम डेविड मेरा नाम डेविड है एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड और मैं जो है न्यूजीलैंड के एक छोटे से फ़िशिंग विलेज में रहता हूँ हियर इज़ माई एड्रेस ठीक है ये मेरा पता है मीन्स उस कागज पे उस कागज़ पे उस चिट्ठी को किसने लिखा था डेविड ने लिखा था डेविड भी एक बच्चा है जो कि न्यूजीलैंड के एक छोटे से फिशिंग विलेज में रहता है ठीक है और उसने उस आ, लेटर पे अपना एड्रेस भी दे रखा था ताकि जिसको भी ये मिले वो अपने बारे में और लिखे कि मैं का, वो कहाँ से है उसको ये कैसे मिला ओके ओल्ड मानू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर और फिर जो ओल्ड मानू है मानू है वो अजय और मीना को उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करते हैं कि तुम भी जो है इस एड्रेस पे चिट्ठी लिख सकते हो हियर इज द बॉयज एड्रेस ही सेड वो कहते हैं कि ये है डेविड का एड्रेस दिस बॉटल हैज कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड और वो बताते हैं बच्चों से कि ये जो बॉटल है वो कहाँ से आया है न्यूजीलैंड से आया है इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी और वो बताते हैं कि न्यूजीलैंड जो है ये हमारे यहाँ से जो है बहुत दूर जो है इस जो समुंदर दिख रहा है इसके उस तरफ बहुत दूर है यू मस्ट राइट टू डेविड तुम लोगों को भी और वो कहते हैं जो ओल्ड uh, मैन है मानू है वो कहते हैं मीना और अजय से कि आप लोग को भी जो है डेविड को चिट्ठी लिखनी चाहिए ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू वो कहते हैं कि वो भी एक छोटा बच्चा होगा बिल्कुल तुम ही लोगों की तरह जैसे तुम लोग को खेलते खेलते बॉटल मिला है वैसे ही उसने इंटेंशनली इस बॉटल को पानी में फेंका होगा और वो कहते हैं कि वो भी जो डेविड भी भी है वो तुम्ही लोग की तरह छोटा बच्चा होगा टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज और वो कहते हैं मानो कि तुम लोग भी उसको ये चिट्ठी लिख के बताओ कि तुम लोग को जो है उसका मैसेज मिल गया है द चिल्ड्रेन लुक डाउन एट देयर फीट दोनों बच्चे क्या होते हैं मतलब <clears throat> इट मीन्स कि दे लुक सैड वो दुखी दिख रहे होते हैं वो अपने पैर की तरफ नीचे देखने लगते हैं एंड दे लुक सैड और दुखी दिख रहे होते हैं वाई आर यू लुकिंग सो सैड आस्ट ओल्ड मानू और मोन तभी जो है मानू जो ओल्ड मैन है वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतने सैड क्यों दिख रहे हो वॉट हैपन टू यू पीपल वी कैन रीड और राइट कैन बी रिप्लाइड मीना क्वाइटली और बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते क्या हम पढ़ लिख सकते हैं वी आर फुलिश हम मूर्ख हैं ओके यू आर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड मानू वाई डोंट यू लर्न और तभी मानो कहते हैं नहीं तुम लोग मूर्ख नहीं हो और तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो सीखते क्यों नहीं हो चीज़ों को देयर इज नो स्कूल हियर सेड अजय और अजय तभी रिप्लाई करता है मानू को कि हमारे यहाँ स्मॉल फिशिंग विलेज जो है हमारा यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है हाउ कैन वी लर्न हम कैसे पढ़ लिख सकते हैं चीज़ों को सीख सकते हैं आई एल टीच यू सेड ओल्ड मानू विद अ स्माइल और तभी जो ओल्ड मानू है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा फ्रॉम दैट डे एवरी आफ्टरनून उस दिन से हर दोपहर को व्हेन द शॉप वाज क्वाइट जब दुकान खाली होती थी दोपहर में द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड मानू ये दोनों ही बच्चे जो हैं अजय और मीना ये मानू के साथ बैठते थे ही गिव देम प्रॉपर ही गिव देम पेपर एंड पेंसिल एंड ही टॉट देम क्या करते है? जो ओल्ड मानू है दोनों ही बच्चों को पेपर पेंसिल देते और उनको पढ़ाते सम मंथ्स लेटर कुछ दिनों के बाद मीना एंड अजय रोट अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड जब ये दोनों बच्चे लिखना पढ़ना सीख गए तो कुछ महीनों के बाद इन लोगों ने वापस डेविड को न्यूजीलैंड चिट्ठी लिखी उसके एड्रेस पे ही रोड बैक टू देम और डेविड ने भी फिर वापस इनको चिट्ठी यानी कि चिट्ठी का जवाब भेजा द मान्स वेंट बाई ऐसे ही महीनों बीतते गए द ईयर स्वेंट बाई साल बीतते गए मीना एंड अजय स्टिल राइट टू डेविड अभी भी ये वो जो है तीनों जो है वो चिट्ठी लिखते हैं मीन्स इधर से मीना और अजय और उधर से डेविड नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड एज ओल्ड मानू वॉज वेन ही फर्स्ट रीड देम द मैसेज इन द बॉटल और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अब मीना और अजय भी और डेविड अब उसी एज के हो गए होंगे जब पहली बार मानू ने उस चिट्ठी को पढ़ा होगा तो जिस एज में मानू रहे होंगे अब उसी एज में मीना अजय और डेविड भी आ गए होंगे मीन्स कि एक बहुत लंबे समय तक उनका कॉन्वर्सेशन चला ऑथर यहाँ पे कहना चाहता है कि बेसिकली हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर मीना और अजय ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा होता तो वो डेविड को रिप्लाई कैसे देते फ्रेंड्स इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेद थैंक यू फॉर वॉचिंग